हाय फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो करेंगे, एक गिटार के स्ट्रिंग सेट का अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने ऐसे एक एक स्ट्रिंग को बकायदे नेम करके और नेम एंड नंबर अच्छे से नोट करके दिया है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे सारी स्ट्रिंग विथ नंबर है। एक ऐसे भी एक ऐसी एक भी स्ट्रिंग नहीं है जिसका यहाँ पे नंबर ना हो, ताकि आप इसे बहुत ही कंफर्टेबली लगा सकते हैं अपने गिटार में। तो मैं आपको 6E अपने गिटार में लगा के दिखाता हूँ। देखिए, इन्होंने पैकिंग काफ़ी अच्छे से की है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो हम इसे अपने गिटार में अटैच कर देते हैं। वो मैं जो यहाँ पे गिटार यूज़ कर रहा हूँ वो इंट्रेन का काफ़ी अच्छा गिटार है, 38C। और मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपके पास शायद स्ट्रिंग वाइंडर अवेलेबल ना हो। ऐसे स्ट्रिंग वाइंडर की इतनी कंपल्सरी नहीं होती है, आप बिना स्ट्रिंग वाइंडर के भी स्ट्रिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग वाइंडर पर थोड़ी हेल्प करता है स्ट्रिंग्स को एडजस्ट करने में। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके हैंड में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। स्ट्रिंग वाइंडर ज़रूरी है परचेस करना, आप उस पर इतना स्पेंड करना मैं तो प्रीफर नहीं करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी लंबी स्ट्रिंग दी है। वो स्ट्रिंग अपनी लेंथ के हिसाब से थोड़ी ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इतना लगा दिया तभी वहाँ पे इतनी स्ट्रिंग अच्छी हुई है।